तो अजय जी, हम चुनाव का वीडियो शूट करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि चुनाव संबंधित या कुछ और भी आप कहना चाहें तो प्लीज दो शब्द कहें। अच्छी बात है, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं लगभग 3 या 4 साल बाद हो रहे हैं, और जो भी उम्मीदवार खड़े हैं इसमें आशा करते हैं कि वो अच्छे आएँ, चुनकर आएँ और बेहतरी के लिए काम करें। जो रूल और रेगुलेशन हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और जो जीत के आएगा उसको बधाई आए। देखो जी, अभी चले हुए हमारे इलेक्शन जो है 3 साल के बाद होते हैं, अभी दोबारा से हो रहे हैं। जो भी इस कार्य में आएंगे, मतलब आप अपने अहदे में बैठेंगे, वो एक अच्छा काम करें, आगे अपने जो लोगों को साथ लेके चले, जो बड़े बड़े काम है वो करें। तो इतना है, बाकी जो जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस बनाए हमारा बेचैनी यूनिट में, ये है कमर हमारी खुद की डिमांड है। ऑफिस और पार्किंग, ये चीज़ें हमारी खुद की डिमांड है। जो भी बनेगा, मतलब कोई भी अहदे पे बैठेगा, यही चीज़ है हमारी, जो कि बेस्ट बने, अपने साथियों के लिए बढ़िया रहेगा, आगे के लिए भी ठीक रहते हैं। मेजोरिटी में जो भी काम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, इतना है जी। इसके लिए मैं दोबारा से एक बार फिर से कोषाध्यक्ष का पद भर रहा हूं, और इसके ऊपर मैं पहले भी 3 साल में रह चुका हूं। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहता हूं कि सर, अपनी तरफ से कोशिश थी अच्छा करने की, अच्छा प्रयास करने की, और किया भी। बाकी जो जनता से मेरी एक अपील ही है कि जो लोगों ने हमें प्यार भाव दिया, 3 साल तक दिया, अच्छा दिया, अच्छा उसका रिजल्ट भी ठीक रहा। तो अभी दोबारा मैं इस उम्मीद में हूँ कि चलो, जो हमारे अंदर जो कमी रही है, जो 3 साल में कुछ कमी रही हो, उस कमी को हम सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे, और सभी लोगों के साथ, जो भी हमारे टैक्सी ऑपरेटर भाई लोग हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहाँ भी कोई चीज़ होगी तो हम भरपूर प्रयास करेंगे उसको, रात हो दिन हो, तो हम उन तक पहुँचे। जब भी हमें, हम लोगों को हमारी ज़रूरत हो तो हम वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों की सारी सुविधा उनको दें, जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर लोगों को, अपने भाई विचारों को, सबको एक बार थैंक्स करना चाहता हूँ कि 1 साल उन्होंने, पहले 3 साल हमारे को दिया। नेक्स्ट टाइम मैं फिर इनके लिए आभारी रहूँगा कि एक मौका और दें, तो जो कमी हमारे अंदर रही है उनको हम सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे जो चुनाव है बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, और हमारे पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है। ज़रूर सर, देखो चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात है, हर जगह चुनाव आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो हो रहे हैं, कल हमारे चुनाव है, कल वोटिंग है। तो जैसे कि आज तक यूनियन का काम चलता आ रहा था, तो हम चाहते कि आगे भी ऐसे ही चले। उसके लिए हमें नए प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, ये ख़त्म हो चुका है। अब आगे के लिए कल से पता चलेगा। बढ़िया जी, जो भी है सही, अच्छा है, सबसे चला, सब बढ़िया चला है, सही इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी जितने कैंडिडेट उठे हैं सब अच्छी तरह से बने, और कुछ नहीं। मैं प्रताप प्रधान पद के लिए लड़ रहा हूँ, तो मेरी यही है कि जो भी है आगे टूरिज्म में कोई समस्या है उसको हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उनको भी पूरी करेंगे। ये तो चलो लोगों का आशीर्वाद साची है, यदि अच्छे वोटों से जीत हो गई तो हम इस चीज़ के लिए तत्पर रहेंगे, ताकि किसी भी टूरिज़्म में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे टैक्सी यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, चुनाव बहुत अच्छे हो रहे हैं और अच्छे कैंडिडेट आने चाहिए, ताकि इससे यूनियन को भी अच्छा फ़ायदा हो और सभी ड्राइवर भाइयों को अच्छा फ़ायदा हो। समस्या तो हमारी कुछ नहीं है, वैसे भी चुनाव तो बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी यूनियन जो है अभी पार्वती वैली टैक्सी यूनियन, तो चुनाव होना ज़रूरी है, जैसे बदलाव कोई भी जीते, बट काम करना चाहिए। तो कुणाल जी, जी सर, हमारे जो टैक्सी यूनियन के चुनाव हो रहे हैं, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सर मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट उठे उनके लिए, उनको मेरा हार्दिक स्वागत है, और अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है कि प्यारे प्यारे लोग हमारे इसमें उम्मीदवार है और सभी जीते, और बहुत साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, लगभग 3 साल के बाद। और सभी बंदे अपना अपना जिम्मेवारी से काम करें, और हम भी तो करते ही हैं, बाकी भाई लोग भी करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। अच्छी बात है सर, चुनाव हो रहे हैं, सबकी सहमति से हो रहे हैं, इसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई ऊपर नीचे की बात है, जितनी बात है अच्छी बात है, और ये सरकार बदलनी भी चाहिए।
हाँ, लेकिन ऐसा कि आप देख रहे हैं इसकी हालत कैसी है ऑफिस की, कुछ काम के नहीं ना, तो मतलब कि मैं तो यही कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात है यहाँ ये तो पेंट नहीं है, ऊपर से हर एक चीज़ पुराना फटा पड़ा है, तो इसलिए इसी मतलब कि जैसे ही चुनाव होते हैं जो भी अगली हमारी कार्य करनी आएगी, तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो पहले किस ऑफिस के बारे में देख ले। और टैक्सी स्टैंड के लिए सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए तो थोड़ी सी भी जगह नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा वो अपना योगदान दे, बस यही है सर। इसके बारे में सादा ये चुनाव हो रहे हैं और कार्यकारिणी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। और हम तो बहुत पहले से जुड़े हैं, सही नियम से चलें और सब जो है अच्छी तरीके से चलना चाहिए। नमस्कार जी, सभी भाइयों के लिए नमस्कार। जो हमारी जो नई कार्यकारिणी आ रही है वो अच्छे लोग आए, और हमारा सहयोग भी उनके साथ रहेगा और वो भी हमारा सहयोग करेंगे। हाँ जी सर, बोलिए। जो भी बने सब एक परिवार है। वेरी गुड। तो हम चाहते हैं कोई जो भी यहाँ पर चुनकर आए तो किसी के साथ पक्षपात ना करें। तो केशव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो चुनाव चल रहे हैं, वैसे तो चर्चा बहुत चुनाव पर हो चुकी है, पर क्या है कि अब विषय हमारे पास यही है, तो आप क्या मतलब समझते हैं या किस विषय पर आप बात करना चाहते हैं, कृपया करके हमारे दर्शकों से बात कीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो जो अभी हमारे पार्वती टैक्सी ऑपरेटर यूनियंस के जो चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आए उनसे मेरा एक ही विनम्र अनुरोध रहेगा कि वो संस्था को बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाएं, जितनी भी हमारी ऑपरेटर्स की जितनी भी समस्याएं होती है उनको अच्छे रूप से सॉल्व करें, और जितने भी यहाँ पर सैलानी आते हैं उनको, जितने भी हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनको अच्छे से वो सुविधाएं प्रदान करें, जितने भी सैलानी यहाँ पर आते हैं उन्हें अच्छे से गाइड करें, हर तरीके से वो जितनी भी उनकी जो समस्याएं होती है जैसे यहाँ पर ट्रैकिंग का जो होता है उसमें उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। और दूसरा ये है कि ऑपरेटर्स की जो समस्याएं होती है जैसे ब्रशेनी में है, यहाँ पे पार्किंग की समस्या है, आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि जो हमारी जो नई कार्यकारिणी चुनकर आएगी वो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कार्य करे, आगे प्रशासन के पास जाए ताकि यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी सी पार्किंग की व्यवस्था हो, जिससे यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो परेशानी रहती है सीज़न में उससे भी हम लोगों को थोड़ा सा निजात मिले। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी कार्यकारिणी आए वो अच्छे से मिलकर काम करें ताकि यहाँ पर जो अच्छे से हमारा ये जो संगठन है वो चले। धन्यवाद। थैंक यू जी। बस जो भी कैंडिडेट जीते हो अच्छा काम चलाए, अच्छा वो करे, सबको साथ में लेके चले, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। कोष अध्यक्ष की टोटल वोटिंग हो गई 307, रिजेक्टेड हो गए उसमें 5, तो श्री रामलाल जी को पड़े हैं 30 वोट, श्री गोपाल जी को पड़े हैं 65 वोट और कमल ठाकुर को पड़े 80 वोट और बलबीर जी को पड़े 127 वोट। उसमें बलबीर जीत गए हैं 47 वोट से। वोटिंग के लिए पहुंचते हुए यहां पे। हाँ जी सर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। आनंद हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप कैसे हो? सब ठीक है? ये हमारे श्री श्रीराम जी, जरा मास्क उतारिए प्लीज। हाँ जी सर, अपना कुछ बातें शेयर करें। क्या बातें कर सर, आज पार्वती वैली टैक्सी यूनियन के आज चुनाव हो रहे हैं, हम तो सभी टैक्सी ऑपरेटर भाई से यही गुजारिश करते हैं, ये गुप्त दान है, अच्छे से मतदान कीजिए और जो चुनना चाहे उसे अच्छे से चुनिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी अच्छी तरह चलना चाहिए, इतने सालों से हम भी जुड़े हुए हैं, आज तक भी अच्छा चला, आगे भी अच्छे और अहदेदार होने चाहिए और सभी रूल से चले और सभी और अहदेदार भी अच्छे तरीके से सबको लेकर काम करे, बस हमारा इतना ही कहना है और सब ठीक है। यहाँ आदमी बस
तो सर ये जो टैक्सी यूनियन के चुनाव चल रहे हैं, मैं आपकी कुछ कीमती राय लेना चाहता हूं कि आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में, कृपया कुछ कहें। मैं तो ये विचार रखूंगा, टैक्सी यूनियन बहुत बड़ी संस्था है, बहुत आदमी जुड़े हुए इसमें, और इस संस्था को अच्छे से चलाएं और अपना लोगों का इसमें व्यापार भी है और पर्यटक के साथ अच्छी व्यवहार भी करना चाहिए, पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। हमारी वैली में बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं और हम चाहते हैं कि सभी युवाओं से कि पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करें और अच्छा सम्मान करें और अपनी संस्था को अच्छी तरह चलाएं, और जैसे जनहित में जो भी होता है, समाज सेवा में जो भी कार्य होता है, वो अच्छे से अपना योगदान दें। अपने यही कहना है, अच्छे से लोगों को चुनो जो आगे भी काम करें और सबके साथ रहें और सबका साथ चलाएं, और मेरा यही मानना है कि अच्छे लोगों को अपना प्रयोग करें और से जुटाएं अच्छे लोग जो काम करने वाले हैं। ऐसे ऐसा ना हो कि संस्था में बना रहे और पद पे रहे, काबिल रहे और काम कुछ न होए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि टैक्सी यूनियन में मेरे को लगता है लगभग 300 आदमी जुड़े हुए हैं, 300 परिवार का रोजगार भी चला हुआ है और पर्यटक से हमारा रोजगार चला हुआ है और युवाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है। पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करें और लोगों से थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को बताएं भी कैसे ट्रैकिंग होती है, क्या होता है, और इसको ट्रैकिंग को बढ़ावा दे दें। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, चुनाव हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, अच्छे लोग चुन के आए। भाई जी महाराज, और भाई जी कैसे, ठीक ठाक हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। कुछ बोलेंगे आप? हम बोलेंगे कि वोट देने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखो 3 साल का टाइम है, उचित काम करने वाले को चुनो, और क्या। चलो ठीक है जी, सर आप कुछ बोलेंगे? बस ये 3 साल पूरे हो गए, अब नई कार्यकारिणी आ गई, हमें उम्मीद रहेगी कि आगे भी अच्छा काम करेगी। चलो बढ़िया जी। इसमें क्या सर, तो जरूरी है चुनाव, मतलब 3 साल बाद होते हैं चुनाव, 3 साल बाद, मतलब अब नया प्रधान आएगा तो नए मतलब रूल बनेंगे, नए नए कार्यकारिणी आएगी और सब कुछ चेंज हो जाता है इसमें, तो चुनाव तो वैसे भी और मोस्ट जरूरी है। तो सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरह का चुनाव चाहते हैं? हम लोग बहुत ही अच्छे तरह का चुनाव चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ब्रशेणी में थोड़ी सी कमियां हैं, जैसे यहां पे हमारे पास अभी यूनियन के लिए, हमारे पास प्रॉपर अभी यूनियन के लिए वो ऑफिस ही नहीं है, जो भी नए कार्यकारिणी के जो भी हमारा प्रधान हो, पूरी कार्यकारिणी हो बन के, उस ऊपर ध्यान दे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी ब्रशेणी की तो यही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे श्री भागीराम जी से, जो पहले मलाना के प्रधान भी रह चुके हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपकी समस्या है या कुछ आप चुनाव के बारे में कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कहें। मेरा नाम भागीराम है, मैं ग्राम पंचायत मलाना से, और जो भी पार्वती यूनियन ऑपरेटर जितना भी आज तक भी संगठन में चलना चाहिए, सभी को ये अच्छा है, चुनाव हर जीत भी होते रहते हैं, किसी भाइयों को इसमें कोई गिले शिकवे नहीं रखना किसी ने भी, जिसका मुकद्दर में लिखा हुआ है वही, क्या नाम, आज तक जिसने भी चलाया बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारा मतलब कि संगठन ऐसे चलते रहे, मतलब कि, और हमारा जो मनाने का जो मेन मुद्दा है, आपको पता है मैं पिछली बार जो 2016 से लेकर 22-20 तक मैं प्रधान रहा, मैं कुछ टाइम में रोड को अच्छा मतलब टायरिंग भी किया था मैंने, उस रोड में फिर भी हाल खस्ता हाल है। मैंने इतना भी बोला था श्रीमान प्यारेलाल जी से भी पहले, मैंने कई बार इस रोड रास्ते के बारे में विषय किया था, मैं बोला था आप लोग को साथ मैं दूंगा, आप लोग हमारा साथ बताना, जो भी हम तो आप लोगों के साथ है ही है, जो भी हमारा सहयोग होगा वह हम साथ चलेंगे, और एक जो हमारा जो ऑपरेटर जो गांव का ऑपरेटर ये बोल रहे ये लोग, एक दिक्कत है वहाँ पे भी ऑफिस बढ़ने चाहिए, एक यही जो हमारा जितना भी ऑपरेटर है उनका भी मतलब
समस्या हल हो जाए, रोड के बारे में हम करेंगे। एक हम ये क्वेश्चन मुद्दा उठाना चाहता हूँ मैं, वहाँ पे रोड में ही पार्किंग गाड़ियाँ लगा रहे हैं, इसके लिए भी हमारे को सोच विचार करके एक हमने वहाँ के लिए भी पार्किंग का संगठन करना है। जहाँ मैं आपके साथ हर टाइम सहयोग देते रहूँगा, आप लोग हमारा साथ चलेंगे, हम कंधे से कंधे मिला के हमारा एक ही फैमिली के तरह हम लोग जो है ये काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। पार्वती ऑपरेटर को मेरे तरफ से नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि पूरी यूनियन इस टाइम चुनाव के दौर से गुजर रही है और सभी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, और आप मणिकरण यूनियन की तरफ से उप सचिव के ओहदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ इस बारे में बताएं कि कैसा क्या होगा, आगे कैसे आप कार्य करेंगे, तो प्लीज़ बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 3 साल बाद हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है। अगर हम भविष्य में आने वाले टाइम में हम यहाँ पे चुने गए तो हम अपने भाइयों और यूनियन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। अगर हम आ गए सरकार में तो हम सभी मिलजुल कर, जितनी भी हमारी कार्यकारिणी सदस्य बनेंगे, हम सभी मिलजुल कर यहाँ कुछ ना कुछ इसका समाधान करेंगे। टोटल वोटिंग 307, रिजेक्ट 6, हेमराज को 70, सुरेश 121, कुलदीप 103, टोटल जीत हो गई 18 वोट से सूरी भाई। हाँ जी, चुनाव हो रहे हैं, अच्छी बात है, और जो भी चुनाव इसमें भाग ले रहे हैं वो भी अपने बंदे जान पहचान के हैं, पर हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदे बीजे होके आए तो अच्छी एक अच्छी सी मजबूत सरकार बनाए। की मतों की गणना दोबारा से हुई, गणना के दौरान दोनों उम्मीदवार बराबरी में हुए, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 1.5 साल जो है दोनों प्रधान जो है यूनियन को चलाएंगे, और जो फर्स्ट 1.5 साल हमारे जो प्रधान जो है वो श्री चंद्रपाल जी चलाएंगे, और दूसरा 1.5 साल जो है दो बार हो जाएंगे। इलेक्शन कमेटी थोड़ा सा एंजॉय करती हुई सारे काम अच्छे।